गुना एमपी के तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंचे एमपी यूडीसी के मुख्य अभियंता शैलेंद्र शुक्ला ने बताया, ये सिवरेज योजना है। इसका मकसद है कि शहर का जितना भी गंदा पानी है वह एसटीपी के माध्यम से साफ करके अनियंत्रित छोड़ा जाए। यह जो एसपी योजना है उसमें शहर में जितने भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हाउस होल्ड कनेक्शन करके सभी को एसटीपी में जोड़कर उसे गंदे पानी को मशीन के माध्यम से ब्लैक वाटर को व्हाइट वाटर करके अनियंत्रित छोड़ा जाए। हमको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के लिए सीवरेज योजना बहुत ही कारगर साबित होगी। इसके लिए ठेकेदार को हमने निर्देशित कर दिया है कि ये कार्य आने वाले 15 दिनों में कंप्लीट कर एसटीपी चालू करें। जो ये निरीक्षण हुआ है ओंकारेश्वर में, इसमें क्या है कि हमारी जो सीवेज योजना है इसका मकसद है कि शहर का सुव्यवस्थित सीवेज ट्रीट करके हमको और उसको कहीं ना कहीं किसी नाले में छोड़ना है जी, सो दैट कि शहर का जो अपनी पॉपुलेशन है, जो हाउस होल्ड है, उनके डोमेस्टिक सीवेज में पूरा वो ट्रीट हो जाए, कहीं भी कोई गंदा पानी ना रह जाए। ये हमारा मकसद है। हम आपको बताते हुए काफ़ी हमको अच्छा भी लग रहा है, हमारे एसटीपी तैयार हो गए, जो इनोवेशन गलत होने की घोषणा कर दिया, जो एसटीपी बनने जो हमने बनवा हमारे बन के तैयार हो गए। हमको केवल एक काम करना है कि जो शहर की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो हाउस होल्ड है उन हाउस होल्ड को जल्दी जल्दी कनेक्शन करके, और इन आईपीएस जो आपने अभी देखा यहाँ सामने आईपीएस आपकी सहायता देख रहे हैं, इस आईपीएस में अभी एसटीपीएस कनेक्शन हमारा होना है, उसके लिए फूल काटर एंड कॉन्ट्रेक्टर है ही। आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल नहीं, आज कंपनी जयप्रकाशिया, इनको उन्होंने आदेश कर दिया है इन लोगों को, वो फूल कल ही आ रहे हैं तो कनेक्ट करके इसको छोड़ देंगे, तो हमारे जितने भी आईपीएस है एसटीपी से कनेक्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी, और हम इसको मैक्सिमम इट विल टेक 15 डेज, 15 दिन के अंदर हमारे सारे के सारे काम कंप्लीशन की स्थिति हो गए। तो एक बड़ी उपलब्धि जो उनका अस्तर नगरी की नगरी है वहाँ का सारा का सारा सीवेज हम उसको जाके सही जगह पहुँचा देंगे, ठीक करके ब्लैक वाटर को व्हाइट वाटर करके कर देंगे हम। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।